आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। कश्मीरी पंडितों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कश्मीर से 31 साल पहले जिन कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया गया था, आज उन्हीं के नाम से कॉलेज और कश्मीर की सड़कों का नाम रखा जा रहा है। उन कश्मीरी हिंदुओं के परिवार के लोग आज बेहद खुश हैं कि 1990 में जो घाव उन्हें दिए गए थे, उन पर आखिरकार 2021 में जाकर मरहम लगाया जा रहा है। देखिए प्रदीप दत्ता की ये स्पेशल रिपोर्ट। और प्रसिद्ध कश्मीरी पंडितों के नाम पर रखा जाएगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जहां जम्मू कश्मीर सरकार काफ़ी सारे प्रोग्राम आयोजित कर रही है और किए जाने बाकी हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है ऐसे ही 75 स्कूल्स और 75 सड़कों को जो है ऐसे लोगों के नाम किया जाएगा जिनको अनसंग हीरोज़ कहा जा रहा है। अब खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में आर्मी CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जो है ऑपरेशन में जो मारे गए उनके नाम पर ये जो सड़कें हैं स्कूल्स हैं उनको इनके नाम कर दिया जाएगा। वहीं जम्मू में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कश्मीर में जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो नाम आतंकवादियों की हिट लिस्ट पे हुआ करते थे, उन्हीं नामों को आप कॉलेज के बोर्ड और सड़कों पर जल्द देखेंगे। सरकार ने इन नामों को बदलने का फैसला किया है, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। हैदरपुरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर प्रोफेसर मोतीलाल खेमू के नाम से जाना जाएगा। पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं प्रोफेसर मोतीलाल। जीरो ब्रिज बख्शी स्टेडियम के बीच की बूंद रोड का नाम बदलकर कश्मीरी कवि जिंदा कौल यानी मास्टर जी के नाम होगा रोड का नाम। महिला कॉलेज श्रीनगर का नाम भी बदला जाएगा, प्रोफेसर रियाज पंजाबी के नाम से महिला कॉलेज जाना जाएगा। BHSS जवाहर नगर स्कूल का नाम भी बदला जाएगा, प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी के नाम से होगा BHSS का नाम। सरकार के इस फैसले का कश्मीरी पंडित स्वागत कर रहे हैं, वहीं विरोधी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि विवादित लोगों के नाम पर सड़क और स्कूलों का नाम बदलना सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है। Well, see, firstly, I fail to understand as to why this infection of name change has to come to Kashmir. Now, if at all this infection is coming to Kashmir, why not to rename some of the roads after the Kashmiri Pandits who stayed back in Kashmir after 90s and contributed in nation building, much the way we have names of Vijaydhar Sahab, Professor Amitabh Mattu Sahab, Vishan Sahab, all of whom who contributed towards the society in education, in youth empowerment, and feels like that, and why to rename the roads after controversial names who could be seen as a possible reason for a wedge that could harm the communal harmony in the country and Jammu and Kashmir in particular. 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को किस तरह अपने ही देश में जुल्म सहने पड़े थे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि देश कश्मीरी पंडितों के दर्द को कभी नहीं भूल पाएगा। मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर आज कॉलेज और सड़कें जानी जाएंगी। 31 साल पहले 19 जनवरी को उन्हीं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था वो आपको जानना बहुत जरूरी है, जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था। उन लम्हों को कश्मीरी पंडित आज भी याद करके सिहर उठते हैं। जब कश्मीर की गलियों में लाउडस्पीकर से ऐलान होता था कि यहां से निकल जाओ, रातों रात हिंदुओं के घरों पर पोस्टर चिपका दिए गए, नहीं निकलोगे तो उड़ा दिए जाओगे, घर जला दिया जाएगा, मस्जिदों से देश विरोधी नारे गूंजा करते थे। कहा जा रहा था यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, यहाँ बनेगा पाकिस्तान हिंदुओं के बगैर लेकिन उनकी औरतों के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 19 जनवरी 1990 को ही
60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने मजबूरन घाटी छोड़ दी थी। कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षिक संस्थानों को जला दिया गया था। 103 मंदिर, धर्मशाला और आश्रमों को तोड़ दिया गया था। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूटपाट की गई। 14,430 घटनाएं दर्ज हुई। कश्मीरी पंडितों के घरों को जलाने की 20,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और 1,100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार डाला गया। अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए। उन्हें अपनी जमीन, अपना घर, अपना पड़ोस छोड़ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ा। संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ा। कश्मीरी पंडितों को कोई उनका वक्त तो नहीं लौटा सकता, लेकिन ऐसे सम्मान से उनके जख्मों पर मरहम जरूर लगेगा। वो कश्मीरी पंडित जिनको आतंकवादी संगठनों और कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के इशारे पर 1990 में वादी कश्मीर से खदेड़ निकाला था, आज भी 4,00,000 से ज्यादा लोग भारत के कई कोनों में बसे हुए हैं या भारत से बाहर रहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वो जा नहीं सकते हैं। लेकिन इनके नाम से अब जब डिग्री कॉलेज या सड़क होगी तो कई लोगों को लगता है कि इससे कम्युनिटी के अंदर एक विश्वास पैदा होगा ताकि वो अपने घरों को वापस लौटे। आने वाले दिनों में लगता है कि ये ऐसा फैसला है जिससे लगता है सरकार उनके रिटर्न और रिहैबिलिटेशन का एक नींव पत्थर रख रही है। प्रदीप दत्ता के साथ अमित भारद्वाज, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। प्रदीप दत्ता हमारे साथ लाइव हैं जम्मू से। प्रदीप, ऐसी कितनी सड़कें और कॉलेजेस हैं कश्मीर में, जम्मू में, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर, उनका नाम रखने के लिए? प्रदीप, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, लगता है कि प्रदीप के ऑडियो में वहां कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 150 शैक्षिक संस्थानों को जला दिया गया था। 1990 का वो दशक बेहद दर्द भरा था कश्मीरी हिंदुओं के लिए। सैकड़ों मंदिर, धर्मशाला थे जिन पर हमला किया गया था। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी होती थी, इसीलिए सैकड़ों कश्मीरी हिंदू घाटी छोड़ करके देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने पलायन किया। कई ऐसे लोग जम्मू में भी मौजूद हैं। अब उनकी याद में सड़क और कॉलेजों के नाम बदले जाएंगे। प्रदीप हमारे साथ वापस आ गए हैं। प्रदीप, ऐसे कितने कॉलेज और सड़कों के नाम बदले जाने का अभी तक आदेश दिया गया है? जी देखिए, ऐसा है कि वहां पे काफी सड़कों और स्कूलों का नाम बदला जाएगा। अभी ये शुरुआत जो है ये अभी श्रीनगर के इलाके से हुई है और अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी होना बाकी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 1990 से जिनको खदेड़ निकाला था उस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़ी परेशानी हुई थी इनको। आज 31 साल हो चुके हैं, अपने घरों से दूर रह रहे हैं, लेकिन एक आत्मविश्वास जगेगा। ये वही लोग हैं जिनको कभी नाम हिटलिस्ट में हुआ करता था। अब इन्हीं के नाम देखा जाएगा कि कॉलेजों के बोर्ड पे होंगे, स्कूलों के बोर्ड पे होंगे या किसी सड़कों के बोर्ड पे होंगे। मैंने जब बात करी मोतीलाल कीमू उनके फैमिली मेंबर से तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने मुझे सुनाया कि कैसे 90 में, क्योंकि ये काठलेश्वर मंदिर हुआ करता था जैनदार मोहल्ला में, वो उसके ट्रस्टी थे। बस उनकी यही गलती थी कि वो मंदिर के ट्रस्टी थे, इस वजह से उनका नाम टेररिस्ट की हिटलिस्ट में था। तो कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि टेररिस्ट उनके घर पर आके दस्तक देने लगे और जिसकी वजह से उनके फैमिली को वहां से पलायन करना पड़ा। आज 31 साल हो गए हैं, मोतीलाल कीमू जी तो जिंदा नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं इस डेवलपमेंट से कि देखिए आखिरकार वो बदलाव आ ही गया, जब देशद्रोही को नहीं बल्कि देशभक्ति को सम्मान मिलेगा, उन कश्मीरी पंडितों को सम्मान मिलेगा जिन्होंने अपने कामों से ना कि अपने देश का बल्कि अपने इलाके का नाम भी रोशन किया है। उसी तरह जिंदा कोल जी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी काफी खुश हैं। आप देखिए, ये एक शुरुआत है, एक शुरुआत से एक आप नींव पत्थर रख रहे हैं, आप एक आत्मविश्वास जगा रहे हैं उन शख्स, उन फैमिलीज के अंदर जो पिछले कई सालों से डरे सहमे थे। जो उन्होंने दर्द झेला है, शायद अगर उनका सच में कॉम्पनसेट करना पड़ा तो पूरे जम्मू कश्मीर के कॉलेज और सड़कें भी कम पड़ जाएंगी, पर बेहद बेहद जरूरी शुरुआत। प्रदीप, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 2,000 करोड़